Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSE Hindi. मैं रिंकू सिंह, welcome all of you. तो नृत्य, भारतीय नृत्य का श्रृंखला चल रहा था और चल रहा है. शास्त्रीय नृत्य हम लोग कवर कर चुके, अब बारी है लोक नृत्य की, भारत के लोक नृत्य. तो ये जो लोक नृत्य हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हमारे लिए, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है. क्यों? क्योंकि भारतीय विविधता को ये सही तरीके से परिभाषित करते हैं, सही तरीके से परिभाषित करते हैं ये. और हर क्षेत्र की अपनी अपनी पहचान है और अपना अपना वैसे ही नृत्य भी है. अपनी अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपना खान पान, वैसे ही नृत्य भी है. और ये नृत्य इसमें जैसे कालबेलिया नृत्य है आपका, कालबेलिया नृत्य के साथ साथ ये जिसको अमूर्त विरासत में ले चुका है यूनेस्को, इसके अलावा रऊफ जम्मू एंड कश्मीर का, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब है ना, तमाशा महाराष्ट्र, बिहू असम, ये मतलब कितने सारे यक्षगान कर्नाटक, कितने सारे नृत्य, मतलब ये नृत्य इतने हैं कि उनको एक क्लास में मतलब कवर करना बिल्कुल मुश्किल है. लेकिन जो उसमें इम्पॉर्टेंट है, नितिन सिंघानिया ने जिनका मतलब वो किया है, चर्चा किया है, वो इस क्लास में है. और उसके साथ साथ एक दो CCRT की वेबसाइट से मैंने लिया है, सारा नितिन सिंघानिया से ही है. और एक दो जो थोड़े इम्पॉर्टेंट है उनको ले लिया है मैंने CCRT की वेबसाइट से. बाकी अनअकैडमी के बारे में तो देखिए, मंडे टू संडे क्लासेस चलती हैं हमारी. जैसे आप लोग YouTube पे हमारी क्लासेस लेते हैं, वैसे ही अनअकैडमी का अपना एक चैनल है, अपना एक पोर्टल है. और वहाँ पर UPSC के लिए, IAS के लिए कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है. तो वहां पर क्लासेज मंडे टू संडे चलती हैं क्लासेज. और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है. तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब कोर्स बिल्कुल जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि अनअकैडमी में या तो क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से जॉब छोड़ दिया, या फिर एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू लेवल तक गए पर उनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ और वो पिछले 10, 15, कोई 8 साल, कोई 6 साल से सॉरी टीचिंग में है. तो सारे के सारे एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने आपके कोर्स को डिजाइन किया है, जो आपकी क्लासेस लेते हैं, और डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो कि एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जहां 200-250 के बैचेस हैं, जहां आपको नहीं मिलता है, ठीक है, वहां यहां पर वो सब कुछ आपको मिलता है. उतने ही सारे मॉक टेस्ट जहां से आप अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं. इतना कुछ पाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने ऐसे मोबाइल में, आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगा ये. और वहां जाकर UPSC CSE कोर्स सेलेक्ट करेंगे आप, और UPSC CSE कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन के लिए. जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये प्लान दिखेगा आपको, यानी 1 month का 8,000, 3 month का 20,000, 6 month का 32, और 12 month का 40,000, और 24 month का 48,000. लेकिन रिंकू लाइव कोड जैसे यूज करते हैं आप, रेफरल कोड पूछा जाएगा, जैसे ही रेफरल कोड डालेंगे तो आपके अपने सारी फीस में, जितनी फीस है सब में आपको छूट मिलेगा. तो 1 month, जो कि 1 महीने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर हमें आजमाना चाहते हो तो आप स्पेशल क्लासेस हमारे ले सकते हो कि आपको अनअकैडमी पे मिलेगा क्या. तो स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जैसे आप यूट्यूब पे हमारी क्लासेस लेते हो. तो
आप जो है जब भी डिसाइड करो तो या तो आप 12 मंथ्स का लो या 24 मंथ का, या तो 12 मंथ का या 24 मंथ का। 12 मंथ का जो कि फी 40,000 है, ये रिंकू लाइव कोड डालते ही 36,000 का हो जाएगा। और 2 ईयर का फी जो कि बहुत कम हो चुका है फरवरी महीने में, और ये जो कि 48,000 का है, ये हो जाएगा आपका रिंकू लाइव रेफरल कोड डालने के बाद सिर्फ 43,200। तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, 90 डेज बच गए हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो अब आप ज्यादा मत सोचिए और जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा फोन नंबर, यहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, ठीक है। और रिंकू लाइव मेरा कोड है, रिंकू लाइव, रिंकू लाइव, जिसको यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपको अपनी फी में छूट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं छऊ नृत्य की, छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ शब्द छाया शब्द से निकला है। छऊ शब्द जो है छाया शब्द, यानी छऊ शब्द कहां से आया है? छाया, शैडो शब्द से। और उड़िया शब्द छावनी से, उड़िया शब्द छावनी, यानी छावनी किसे कहा जाता है? सैन्य स्थल को, जहां पर योद्धा ठहरते हैं, तलवार चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से छऊ शब्द निकला है। और मुखौटा नृत्य का ये प्रकार है, मुखौटा नृत्य, मुखौटा यानी जब मास्क लगा के जब डांस करते हैं हम, तो मुखौटा नृत्य का ये प्रकार है। पौराणिक कहानियों का इसमें वर्णन किया जाता है। और इसमें युद्ध संबंधी संचालन का मतलब कि डांस करते करते युद्ध वाले वो बनाए जाते हैं, मतलब मुद्राएं। तो इसको यूनेस्को ले चुका है 2010 में इस डांस को यूनेस्को ले चुका है, ये यूनेस्को के अमूर्त विरासत में सम्मिलित हो चुका है। 3 मुख्य शैलियां हैं इसकी, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, ठीक है। सरायकेला झारखंड में है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ बंगाल, ठीक है। 3 शैलियां हैं इस डांस की। छऊ नृत्य को धीरे धीरे जो है उसमें भी सम्मिलित किया जा रहा है शास्त्रीय डांस के अंदर भी, पर अभी पूरी तरह से जो है इसको नहीं सम्मिलित किया गया है। एक है बाउल, ये बाउल गीत भी है और डांस भी है, बाउल जो है गीत भी है और डांस भी है। तो बाउल गीतों में जो है बंगाली लोक संस्कृति को मतलब दिखाया जाता है प्रतीक के रूप में। अब बाउल में भाट, रचनाकार, संगीतकार, नृत्यक, अभिनेता सभी एक जैसी भूमिका निभाते हैं, सभी एक जैसी, उनका उद्देश्य होता है आपका मनोरंजन करना। और ये घूम घूम कर बाउल एक प्रकार का वो है वाद्य यंत्र, एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है और उसको बजा बजा के ही मतलब गाया जाता है। मैं पिक्चर शायद नहीं लग पाया है, एक बार मैं लोक गीतों में मैंने बाउल का वो दिखाया था पिक्चर आपको। तो बाउल लोक गीत में भी आ जाता है और लोक नृत्य में भी आ जाता है। और इसमें जो है गीतों के और मतलब गीतों से, नृत्य से, कई तरह की मुद्राओं को हाव भाव बनाकर खानाबदोश भिक्षु दूर दूर के इलाकों में जाते हैं, मतलब प्रेम और खुशी का संदेश देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें कहा गया है कि पिछली पीढ़ियों के लोगों को, मैं भी पिछली पीढ़ी की हूँ और मुझे याद है कि किस तरह से योगी हमारे गांव में आया करते थे, एक हाथ में उनका बजाने का ऐसे कुछ सारंगी जैसा होता था या एक तारा होता था और एक हाथ में कटोरा होता था, वो भिक्षा मांगते थे। सर्दियों के दिनों में जब पूरा घर सोया रहता था, वो पूरे गांव की फेरी लेते थे और उसके बाद शाम तक वो जैसे मांगने आते थे, फिर शाम का जो वो मांगते थे वो शायद अगली सुबह चलता होगा, सुबह शाम तक, फिर वो शाम को,
या दोपहर को ऐसे लेते थे, फिर उस गांव में कुछ दिनों तक वो डेरा डालते थे, फिर कहीं और चले जाते थे। तो इस तरह से मतलब देखा है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये बाउल वाले हैं। विदेशिया डांस, बिहार, विदेशिया बिहार का एक बहुत मशहूर और मन को स्पंदित करने वाली कला शैली है, ठीक है, और ये एक गीत का भी शैली है और नृत्य का भी शैली है। इसमें जो है, एक महिला का पति जब दूर चला जाता है उससे, मतलब जीविकोपार्जन के लिए, भाई जीवन चलाना है, लाइवलीहुड चलाना है, तो उसके लिए जब जीविकोपार्जन के लिए वो दूर चला जाता है उससे, तो महिला के मन पे क्या गुजरता है, इसको, इस भावना को इसमें अभिव्यक्त किया जाता है। और इसमें जो है मेन, जो जिन्होंने इस विदेशिया नृत्य को, नृत्य संगीत को जिन्होंने सबसे ज़्यादा वो किया, या प्रतिपादक भी आप कह सकते हैं, वो भिखारी ठाकुर थे। भिखारी ठाकुर, और उन्होंने विदेशिया के रूप में लीक से हटकर नाटक की रचना की। इसमें पुरुष ही स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका निभाते हैं, पुरुष ही, ठीक है। मुख्य पात्र होते हैं नट और नटी, मुख्य पात्र होते हैं नट और नटी। नट की वेशभूषा मतलब धोती कमीज जो पुरुष पहनते हैं, और नटी मतलब एक पुरुष पात्र द्वारा की जाती है, और घाघरा चोली, घाघरा चोली इसमें जो है वो नटी पहनी रहती है, ठीक है। और ढोल, झाज, मंजीरा, खंजरी, नगाड़ा, हारमोनियम, देसी वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। तो विदेशिया कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। बंध नृत्य, गोटीपुआ, तो ओडिसी नृत्य में आपने गोटीपुआ जो है, गोटीपुआ है उनका नाम सुना था आप लोगों ने, कि पहले इसको गोटीपुआ ही करते रहते थे। तो ये गोटीपुआ जो नर्तक हैं, ये एक बंध नृत्य करते हैं, जो कि ओडिसी नृत्य का आधार है, ओडिसी नृत्य का ये आधार है। और ये सामान्यतः बाल नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनकी अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई होती, जो मेकअप कर ले तो लड़की लगने लग जाएं, लंबे लंबे ये बाल रखते हैं। इनका एक अपना गुरुकुल होता है जहाँ पर इनको नृत्य सिखाया जाता है, और जीवन का सादा मार्ग, मतलब एक तरह से कि आपको जीवन में एकदम सरल और सादे मार्ग पर चलना है, इसके लिए उनको शिक्षा दी जाती है, और उन्हें प्रशिक्षण देने में निष्पादन यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के कई पहलू का ध्यान रखा जाता है। जैसे मतलब शैक्षिक अध्ययन भी दिए जाते हैं गोटीपुआ गुरुकुल में, और नृत्य करना, गाना गाना, पखावज बजाना, ये सब, मतलब उनको नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्रों की भी ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा भी दी जाती है, पर उन्हें कहते हैं गोटीपुआ। तो ओडिशी नृत्य में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि ओडिशी नृत्य शुरू में जब मतलब प्राचीन काल में तो महिलाएं करती थी, बाद में ये नृत्य थोड़ा बदनाम हो गया, उन औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, फिर उसको पुरुष करने लग गए थे, और फिर जो पुरुष करते थे उनको गोटीपुआ कहा गया था। यही गोटीपुआ फिर अब जो है, अब तो ओडिशी नृत्य महिलाएं करती हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कल। तो बंध नृत्य, वही गोटीपुआ, अब ये बंध नृत्य करते हैं, उसके लिए उड़ीसा में प्रॉपर गुरुकुल खोला गया है, और इसमें जो बाल नर्तक हैं वो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, नृत्य भी सीखते हैं, और वाद्य यंत्र भी बजाना सीखते हैं, ठीक है। गोटीपुआओं के बाल लंबे होते हैं और महिलाओं के परिधान ये पहनते, क्योंकि महिला ओडिशी नृत्य एकल नृत्य है, और इसे महिलाएं ही करती हैं, तो इसलिए ये महिला का रूप धारण करते हैं। आभूषण वगैरह सारा जो प्रयोग करते हैं ये खुद बनाते हैं, और वो भुजाओं पर, कलाइयों पर पहनते हैं। जो बंध शब्द है, इसे बंध नृत्य क्यों कहते हैं, तो जो बंध शब्द है, बंध शब्द का अर्थ होता है बांधना अथवा बंदिश लगाना। तो बंदिश
एक तो बंदिश होता है रिस्ट्रिक्शन, और एक बंदिश होता है जो ये गायन में भी ये बंदिशें होती हैं और नृत्य में भी ये बंदिशें होती हैं, यानी मतलब जटिल जो है ये जो करते हैं ना नृत्य वो गायन में, ये बंदिश होती है कि किस लेवल तक सुर को आपको ले जाके और किस लेवल तक उसको नीचे लेके आना है, कहाँ तक खींचना है, तो इसको बंदिशें कहते हैं। कई बार दो लोगों में कंपटीशन हो जाता है। इसी तरह ये नृत्य में भी होता है, जटिल मुद्राओं के साथ कितनी बार, जैसे आप अगर ऐसे आप ऐसे घूम रहे हो तो ये कितनी बार कितने एंगल पे घूमना है, तो ये एक लयात्मक पदध्वनि होता है चेहरे के हाव भाव के साथ मिलाकर ये नृत्य का एक क्रम बनाते हैं, तो इसको बंदिश कहते हैं। तो यहीं से बंध शब्द निकला है, वो इस तरह के नृत्य को कालाबाजी शैली में जटिल अवस्थाओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। आजकल देखते नहीं वो कालाबाजी शैली, समझ रहे हो ना, सर्कस स्टाइल में जो नहीं आजकल डांसर मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे पलट गए एकदम, कई बार ऐसे सिर के बल ऐसे डांस करने लग जाते हैं, कई बार जैसे एक अंगूठे पे ऐसे घूम जाते हैं, तो ये सब कालाबाजियां हैं। तो इसी को जो है बंध नृत्य कहा जाता है, यानी बंध शब्द बंदिश शब्द से निकला है। गरबा तो आपको पता है, गरबा गुजरात, और मैंने सिर्फ गरबा का अर्थ लिख दिया है, गरबा आपको खूब अच्छी तरह पता है। अब तो गुजरात के अलावा जगह जगह जब दशहरा आता है तो गरबा डांस होने लग जाता है। तो गरबा का अर्थ होता है गर्भदीप, गरबा का अर्थ क्या होता है, गर्भदीप। और ये छिद्र युक्त मिट्टी का एक बर्तन होता है, मान लो कि ये एक मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, ये एक मिट्टी का बर्तन है। अब इसमें जो है एक छिद्र होता है, और यहां पर एक दिया रखा हुआ है, एक यहां पर एक दिया जल रहा है और इसमें एक छिद्र है और यहां पर एक दिया जल रहा है। तो इस दिए के चारों तरफ घूम घूम के महिलाएं नृत्य करती हैं, अब तो पुरुष भी इसमें होते हैं, इसी को गरबा डांस कहते हैं। ये मतलब शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। डांडिया ये भी आपका गुजरात का ही है, और महिषासुर एवं दुर्गा के बीच प्रतीकात्मक युद्ध को दर्शाया जाता है, और इसमें छड़ियों का मतलब डांडिया तब तो बिकने लग जाता है जैसे ही आता है दशहरा, बैम्बू से बनता है ये, और इसमें छड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे करके देखा ही आप लोगों ने। तो जितनी भी नृत्य मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान देते जाना कि ये किस स्टेट का है और इसकी विशेषता क्या है। किन्नौरी, ये हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में एक जिला किन्नौर है, ठीक है, और ये शिमला से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, ये राज्य के उत्तर पूर्वी सतलज नदी के किनारों पर स्थित है। और ये जो किन्नौरी जिला है इसकी भाषा भी किन्नौरी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, तो यहाँ के जो लोक नृत्य होते हैं उसको भी किन्नौरी नृत्य ही कहते हैं। और ये देवी देवताओं, मंदिरों में होता है, सामाजिक उत्सवों के समय होता है, और ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये किया जाता है, प्रसन्न करने के लिए। दांगेर पुतुल, एक सेकेंड, हाँ, दांगेर पुतुल, ठीक है, ये भी याद रखना, जो नेम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं वो ज्यादा पूछा जाता है। तो दांगेर पुतुल का मतलब होता है भोज वृक्ष की पुतली, ठीक है, इसका मतलब होता है भोज वृक्ष की पुतली, ठीक है। और ये भारतीय पुतली रंगमंच की देशज परंपराओं में से एक मानी जाती है, और ये दक्षिण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में इसका उद्भव माना जाता है, दक्षिण पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। और जो दांगेर पुतुल का जो विषय होता है, वो मतलब यात्रा पर आधारित होता है, यात्रा। तो यात्रा किसे कहते हैं, यात्रा।
तो पहले जो है कुछ ब्राह्मण होते थे, वो ब्राह्मण जगह जगह घूमकर राम का कृष्ण का मतलब वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। उनको उनके इस यात्रा को या उनके इस कार्य को यात्रा कहा गया। तो मतलब दांगिर पुतुल जो नृत्य है, इसका मुख्य विषय नाटकीय होता है और यात्रा पर आधारित। तो ये जो घूम घूम के करते थे, वो मतलब जैसे सिर्फ गाते नहीं थे, नृत्य भी करते थे, गाते भी थे, हाव भाव से नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाते थे। तो वही था। और इसमें जो है दांगिर पुतुल जो डांस है, ये जो है किसानों, ग्रामीण कलाकारों, लोहारों, कुम्हारों आदि के हाथों में ये रहा। ठीक है, यानी समाज का देख रहे हैं आप, निम्न वर्ग के द्वारा ये जो है परफॉर्म किया जाता रहा है, उनका पसंदीदा साधन रहा है। तो लोक नृत्य या लोक संगीत का मतलब यही होता है, जो स्थानीय लोग जो शहरी नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो जिस नृत्य को करते हैं, जिस गीत को गाते हैं, उसको ही लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी हाई क्लास सर्विस क्लास के लोग नहीं होते, इसमें हमेशा देसी स्थानीय लोग, निम्न वर्ग के लोग, इस जनजातीय लोग इसमें शामिल होते हैं। तो दांगिर पुतुल कहाँ का? तो दांगिर पुतुल याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में इसका उद्भव। दांगिर पुतुल का मीनिंग होता है भोज वृक्ष की पुतली। और इसका जो नृत्य है मुख्य यात्रा पर आधारित होता है। और यात्रा, मैंने आपको बताया कि यात्रा का मतलब कि जो घूम घूम के जो प्राचीन काल में या बाद में भी जो घूम घूम के लोग जो नृत्य नाटिका के माध्यम से जो पौराणिक कथाओं को लोगों को दिखाते थे, धर्म का प्रचार करते थे, उन्हीं को यात्रा कहा गया। नाट्य नृत्य तो ये जो नाट्य नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल शब्द से लिया गया है। ठीक है, नाट्य नृत्य मतलब हिमाचल प्रदेश का है, पर हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल शब्द से लिया गया है, यानी हिम से ढका हुआ बर्फ का घर। तो वही से ये नाम हिमाचल लिया गया है। वहां आपको पता है ऊंची और कठोर पहाड़ियों की इस प्रदेश में स्थानीय लोग अपनी भावनाओं को गीत वहां पे, अब टीवी भी चलता है पर नेटवर्क नहीं होता ज्यादातर पहाड़ों में, तो गीत और संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, इन्हीं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन्हीं नृत्यों में से एक प्रसिद्ध नृत्य है नाट्य नृत्य। और ये अपने मधुर ताल और मनोहारी संगीत के लिए जाना जाता है। तो नाट्य नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। करिंगा उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र के कहार, कुम्हार, अहीर, गडरिया, दलित जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। घूमर या गंगोर, तो राजस्थान के भील जाति की महिलाएं, और अब तो घूमर को दीपिका पेदिकोण ने अच्छा खासा प्रचलित कर दिया है, ये घूमर को। तो ये बेसिकली वहां के राजस्थान के भील जनजाति की महिलाएं क्या करती थी। और कालबेलिया नृत्य, तो जो आप पिक्चर देख रहे हो कालबेलिया नृत्य का है, और ये राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जो कि एक सपेरों की जनजाति थी, मतलब सपेरे ये है। और इसको भी यूनेस्को ले चुका है अपने अमूर्त विरासत में। तो बीन सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है, ये तो आपको पता ही है। मैं नागंतु सपेरा, एक गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, नगीना फिल्म का, मैं नागंतु सपेरा। तो मतलब अक्सर फिल्मों में दिखाता था कि वो ऐसे ऐसे बजा रहा है और लोग, और आजकल शादियों में नागिन डांस बहुत चलता है। तो बीन, उसी को बीन कहते हैं। और इस नृत्य को, जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में यूनेस्को ने ले लिया है। तो ये देखो, ये कालबेलिया जनजाति की महिला है जो इस तरह के वो ड्रेस पहनते हैं डांस करने के लिए। भांगड़ा गिद्दा,
मैंने नेम्स इसमें ज्यादा दिए हैं, पिक्चर्स थोड़े मुश्किल हो रहे थे मिलने में, और क्योंकि आपको लोक नृत्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप बस जानिए वो कहाँ का है, और जो लोक नृत्य यूनेस्को ले चुका है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानिए आप। तो भांगड़ा गिद्दा पंजाब, ठीक है, तो भांगड़ा पुरुष करते हैं, पुरुष, और इसी का जो है नारी संस्करण कहलाता है गिद्दा, ठीक है। रासलीला उत्तर प्रदेश, दादरा उत्तर प्रदेश, चारवा हिमाचल प्रदेश, दशहरा के अवसर पर तरंग मेल, तो इसको चारवा याद रखना, तरंग मेल, तरंग मेल गोवा में, दशहरा तथा होली के अवसर पर होता है, और इसमें खूब रंग बिरंगी पोशाक, इंद्रधनुषी पोशाक, मतलब खूब रंग बिरंगी पोशाक पहनकर लोग खूब कलरफुल वो निकालते हैं, एक कारवा टाइप का, एक जुलूस टाइप का, जिसमें कलरफुल ड्रेस के साथ साथ खूब सारे रिबन्स विबन्स ऐसे लहराते हुए लोग डंडे को खूब सजा के लोग निकलते हैं, एक अपना नाचते गाते एक जुलूस निकालते हैं, उसको कहते हैं तरंग मेल। तो तरंग मेल कहाँ? गोवा। जावरा ये मध्य प्रदेश का है, फसल कटाई के मौके पर ये किया जाता है, और धमाकेदार संगीत का प्रयोग इसमें होता है, धमाकेदार संगीत का प्रयोग, ठीक है। मटके नृत्य मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों पर किया जाता है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये जावरा का है, ठीक है, और मटके नृत्य कहाँ का? मालवा क्षेत्र, ये भी मध्य प्रदेश। तो जावरा और मटकी, आपको पता है जहाँ जनजातियाँ सबसे ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे इस तरह के नृत्य भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नृत्य पाए जाते हैं इस तरह के। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा लोक नृत्य पाए जाते हैं। एकल नृत्य, ये बहुत से मिट्टी के बर्तनों को सिर पर संतुलित करके लोग करते हैं, और गौर मारिया ये भी छत्तीसगढ़ का है, गौर मारिया में लोग भैंसों के सिंग को धारण करके, भैंसों के सिंग को, मतलब भैंस के सिंग, आर्टिफिशियल सिंग होता होगा कई बार जो टूट जाती है, तो उसको यूज करके और लोग इसमें भैंस की गतिविधियां करते हैं नाचते नाचते, इसको कहते हैं गौर मारिया, याद रखना गौर मारिया, ठीक है। अलकाप ये झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, और इसमें 10-12 नर्तकों का एक दल जो गायन के नाम से जाना जाता है वो करता है। देख पा रहे हैं एक नृत्य है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के गा रहे हैं, कुछ लोग बजा रहे हैं। पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है, और काप नाम से मशहूर हास्य नाटिकाओं के साथ, काप, ठीक है, हास्य नाटिकाओं के साथ शिव से संबंधित गजन पर्व, कोई गजन पर्व है जो शिव से संबंधित है उससे संबंधित ये लोग जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। अलकाप याद रखना, झारखंड पश्चिम बंगाल, इसमें गायन याद रखना कि 10-12 नर्तकों का दल होता है, गायन के नाम से जाने वाले एक या दो गायक होते हैं साथ में, और इनमें पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है काप नाम से एक हास्य नाटिका भी इस ग्रुप में किया जाता है जो शिव से संबंधित, ठीक है, जो शिव से संबंधित होता है। बिरहा, बिरहा बिहार, और विदेशिया की तरह ही है ये भी, और इसमें भी साथी से दूर महिलाओं की व्यथा पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। पैका ओडिशा याद रखना, युद्ध संबंधी नृत्य, और ये लंबे भालों का प्रयोग करते हैं इसमें, लंबे भालों का, ये पिक्चर मैंने लगाया था, ये जो है ये रिपीट कर दिया उसने, उस पिक्चर को हटा दिया है। पैका लंबे भाले का मतलब, इसमें खूब लंबे लंबे भालों का प्रयोग किया जाता है इसमें। जाट जाटिन ये बिहार उत्तर प्रदेश में भी होता है, ये जाट जाटिन जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, तो इसमें विवाहित दंपति के बीच कोमल मीठी नोक झोंक को दिखाया जाता है जाट जाटिन। झूमर ये है, झूमर ये झारखंड और उड़ीसा
फसल कटाई का नृत्य है ये, तो ये लोग गाते हैं इसको जो है झारखंड और उड़ीसा में। डंडा यात्रा, ठीक है, ये उड़ीसा का है। शिव की कथाएं इसमें कही जाती हैं। विषय होता है सामाजिक समरसता और भाईचारा का, ठीक है। बिहू असम, तो ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये बिहू का ही है, ये बिहू का पिक्चर है, ठीक है, ये बिहू का पिक्चर है। और ये भी यहाँ पर गलती से लग गया है, ठीक है, ये गलती से यहाँ पर लग गया है। उस लड़के को मैंने बोला था, कई पिक्चर्स दिए थे तो उसने जो है गलती से, पिक्चर्स और भी थे उसको कन्फ्यूजन हुआ है, उसने एक ही पिक्चर कई जगह पेस्ट कर दिया है। तो इसके लिए आप ऐसे मतलब सर्च करेंगे गूगल पे तब भी आपको मिल जाएंगे इनके पिक्चर, हालांकि लोक नृत्यों के पिक्चर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं गूगल पे भी, पर कुछ कुछ फेमस है। जैसे बिहू बहुत फेमस है असम का। ये बिहू एक त्यौहार भी होता है और बिहू एक डांस भी होता है। तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का समूह करता है और इसमें तीव्र हस्तचालन और उल्लास प्रदर्शित किया जाता है, यानी खूब फास्ट डांस होता है, खूब उल्लास जोश के साथ जैसे भांगड़ा किया जाता है, ठीक है। रांगमा, बांस नृत्य भी इसे कहते हैं, बैम्बू डांस। ठीक है, बैम्बू डांस इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। नागाओं का युद्ध नृत्य है ये, यानी नागालैंड कहाँ हो गया ये, नागालैंड, नागा करते हैं इसको। सिंघी छाम ये सिक्किम का है और इसमें रोएदार वस्त्रों से सुसज्जित बर्फ के शेर का प्रतीक होता है। जैसे बर्फ का शेर व्हाइटिश होता है, खूब उसके शरीर पर बाल होता है, तो बर्फ की गाय भी अलग दिखेगी आपको, बकरी भी अलग दिखेगी आपको, भैंसें भी अलग दिखेंगी। वो आप लोग कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो लैमार्क का जो वो है, तो वो यही कहता है कि भाई उन परिस्थिति के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से जीव अपने को जब सेट कर लेता है तभी वो सर्वाइव कर पाता है, जी पाता है। तो बर्फ में क्योंकि ठंड ज्यादा है तो बर्फ के जितने जानवर होते हैं उनको कौन शॉल ओढ़ाएगा, तो उनके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां का जो शेर होता है वो भी सफेद होता है। अच्छा, वहां पे क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, जो भी ठंडा प्रदेश है वहां के लोग भी जानवर भी थोड़े गोरे होते हैं, तो ये शेर तो वैसा ही ये ड्रेस पहन लेते हैं, देख पा रहे हैं आप पिक्चर में। सिंघी छाम कहते हैं इसको, सिंघी छाम। तो इसमें जो है खांग चेन जोंगपा किसको कहा जाता है, कंचनजंगा की चोटी को। तो इसमें ये लोग ये ड्रेस पहनकर कंचनजंगा की चोटी को श्रद्धांजलि देते हैं, खांग चेन जोंगपा। कुमी बहुत पॉपुलर नहीं पूछेगा आपको, जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नेम लग रहा होगा, जो थोड़ा अनपॉपुलर है वही पूछता है कुमी। तो तमिलनाडु तथा केरल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, मतलब ये तमिलनाडु में भी होता है और केरल में भी होता है, और पोंगल के अवसर पर। और ये जो आप देख पा रहे हो कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बीच में बस रंगोली है। और ये जो लड़कियां और महिलाएं हैं ये सिर्फ तालियों के मतलब क्लैपिंग करते हुए वो निकालती हैं वो अपना म्यूजिक, और क्लैपिंग के साथ इस नृत्य को वो करती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कुम्मी। मैलट्टम ये केरल तथा तमिलनाडु, ये भी केरल और तमिलनाडु का। इसमें मयूर के वेश में स्त्रियां सजती हैं, यानी मोर की तरह सजती हैं वो, और इसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बुर्रा कथा ये आंध्र प्रदेश में, और ये मतलब एक व्यक्ति इस डांस को करता है, एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश। बुट्टा बुमालू ये शाब्दिक अर्थ होता है, बुट्टा बुमालू का टोकरी वाले खिलौने,
टोकरी वाले खिलौने, ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का नृत्य विधा है और ये भी मुखौटा नृत्य का प्रकार है। नर्तक इसमें मुखौटे पहनते हैं, शब्द रहित इसमें संगीत होता है, संगीत होता है यानी उसमें शब्द रहित यानी उसमें लिरिक्स नहीं होते, सिर्फ म्यूजिक होता है। कईको टिकली केरल, ओणम के समय एरुकाली तथा तटामकाली इस नृत्य से मिलती जुलती विधाएं हैं। कईकोटिकली से ही एराकली और तटामकाली इस नृत्य से मिलती जुलती विधाएं हैं केरल की ही। भूत अर्धाने यानी भूत की आराधना, भूत आराधने कर्नाटक में किया जाता है, इसमें शैतान की पूजा होती है। वो आप लोगों ने फिल्मों में देखी होगी ना, वो जिंगा जिंगा जी ऐसे करके जो है जिंगा जिंगा जी ऐसे। तो जब भी जनजातियों को पहले की जो फिल्में बनती थी 70s वाली, उसमें जनजातियों को बहुत दिखाते थे, और जब भी दिखाते थे ना किसी जैसे बंजारों को जनजातियों को तो जिंगा जिंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद होगा, तो कुछ इसी तरह से वो करते थे बिल्कुल। और पूजा शैतान की ही और बलि चढ़ाई जाती थी और शैतान की ही उसमें पूजा होती थी। तो इसी तरह से ये भूत आराधने हैं यानी भूत की आराधना की जाती है। पट्टा कुनीथा ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं आप, ये पट्टा कुनीथा का है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें लंबे बांस के खंभों का प्रयोग किया जाता है, आप देख रहे हैं ना इनके हाथों में कितने लंबे लंबे बांस हैं। तो इसमें लंबे बांस के खंभों का प्रयोग करके पुरुष डांस करते हैं और ये सभी धर्मों में लोकप्रिय है। कहाँ का डांस है? मैसूर का। चकयार कुथु केरल और ये कलाकार अपने को सांप की भांति सजाते हैं। चकयार समुदाय के द्वारा किया जाता है, चकयार समुदाय जबकि सपेरिया समुदाय नहीं है, पुरोहितों का समुदाय है। पर इसमें जो है ये सांप की भांति अपने को सजाते हैं और वैसे ही नृत्य करते हैं। कर्मा नाच तो ये छोटा नागपुर के पठार की जनजातियां करती हैं यानी झारखंड, छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड, ये झारखंड की जनजातियां करती हैं इसको। और ये जो देखो ये कर्मा डांस का ही ये पिक्चर है। राउत नाच छत्तीसगढ़, यादव समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर। दुमहल वट्टल जनजाति द्वारा और जम्मू और कश्मीर में, वट्टल जनजाति के द्वारा कहाँ किया जाता है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। दुमहल। फुगदी ये गोवा के कोंकण क्षेत्र में, फुगदी ठीक है। तो गोवा का अभी तक आपने दो देख लिया आपने गोवा का, ये दूसरा है आपका फुगदी। और पहला क्या था? तरंग मेल। चिराव ये मिजोरम, ये भी बांस के डंडों के साथ किया जाता है, इसको भी बैम्बू डांस कहते हैं। मतलब बैम्बू डांस जब भी आता है तो नागालैंड और मिजोरम दोनों आता है। दलखई ये उड़ीसा, दशहरे के त्यौहार पर, दलखई दशहरा उड़ीसा ऐसे याद रखना, दलखई दशहरा उड़ीसा। नागालैंड में कौन कौन से डांस किए जाते हैं? नागालैंड में आपका रांगमा जो कि मैं आपको बता चुकी, रांगमा, बैम्बू डांस, जी लैंग, सुइरोलियंस, गीथिंगलिम, तिमांग नेतिन, हेतल यूली, नेम स्टफ हैं, मुश्किल होता है याद करना, लेकिन इसका अपना इमेज बेस्ड लर्निंग करना। तो इनके पिक्चर्स भी नहीं मिलते नेट पे बहुत ढूंढने पे, पर आप कैसे याद रखोगे? शब्दों को बार बार देखोगे, बार बार शब्दों को देखोगे तो एकदम जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो देखते ही याद आएगा कि ये नागालैंड में पढ़ा था। तो आप इसको जो है इतनी बार देखना, पीडीएफ में डाल दूंगी, इतनी बार इसको देखना कि एक देख के जो है एक पिक्चर वाला इमेज बन जाए आपका, कि कैसे जैसे मैं बोलूंगी हाथी तो आपके दिमाग में तुरंत हाथी का एक पिक्चर घूम जाएगा, उसी तरह जैसे ही
जैसे ही आपका कोई लोक नृत्य आया और नागालैंड आया तो लाइन याद आ जाए, कुछ इस तरह से पढ़ना। छत्तीसगढ़ में जो है गौर मारिया, ये मैं पढ़ा चुकी आपको, पैंथी, राउत नाच, पंडवाणी भी एक नृत्य का ही प्रकार है और पंडवाणी एक लोक नृत्य लोक गीत में भी आता है। तीजन भाई मैं आपको बता चुकी हूँ, वेडामती, कपालिक, भारथरी चरित्र, चंदनानी, ठीक है। मेघालय, छेरव नृत्य, खुल्लम, छेरव मेघालय में, छेरव नृत्य, खुल्लम, चैलम, स्वलाकिन, च्वांगलाइज्वान, जंगतालम, ठीक है, परलाम, ये एक साथ है, सरलामकई, सोलाकिया, सरलामकई और सोलाकिया एक ही है, और लंगमलम, लंगलम, बहुत ज्यादा वहां पे भी जहां जनजातियां ज्यादा रहेंगी वहां डांस ज्यादा होंगे, इसीलिए नागालैंड, छत्तीसगढ़, मेघालय का स्पेशली